द आर्ट ऑफ वॉर बाय सुन ज़ू। सुन ज़ू एक चीनी जनरल और लेखक थे जिनका जन्म 544 ईसा पूर्व में हुआ था। स्मार्ट और तेज तर्रार ज़ू ने सैन्य रणनीति का एक उल्लेखनीय दर्शन स्थापित किया जिसे उन्होंने द आर्ट ऑफ वॉर में एक साथ संकलित किया। अक्सर शारीरिक युद्ध के रक्तपात से परे रणनीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए युद्ध की कला एक रणनीतिक मास्टरवर्क है जिसका उपयोग अनगिनत सैन्य रणनीतिकारों द्वारा इसके पहले प्रकाशन के बाद से किया गया है। एक सेनापति बनने के बाद ज़ू ने सेना का नेतृत्व करके और ज़ू राज्य में एक प्रभावशाली लड़ाई जीतकर अपनी फिलॉसफी की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। फिर उन्होंने अपनी फिलॉसफी को कागज़ पर उतारा और द आर्ट ऑफ वॉर द किंग ऑफ वू लिखा। इस पुस्तक में 13 अध्याय हैं जिनमें से प्रत्येक को युद्ध और रणनीति के एक विशेष पहलू को सौंपा गया है। हालांकि वे संक्षिप्त वाक्यों में लिखते हैं, उनके शब्दों की संक्षिप्तता में हमेशा अर्थ की गहराई होती है। नतीजतन युद्ध की कला का पूर्वी और पश्चिमी सैन्य सोच दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है जो आज भी जारी है। चैप्टर 1 योजनाएं तैयार करना। सुन ज़ू के अनुसार युद्ध की कला राज्य के लिए महत्वपूर्ण महत्व की है। यह जीवन और मृत्यु का मामला है, या तो यह सुरक्षा प्रदान करता है या विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए यह जांच का विषय है जिसे किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। युद्ध की कला 5 स्थिर कारकों द्वारा शासित होती है जिसे किसी के विचार विमर्श में ध्यान में रखा जाता है। जब क्षेत्र में प्राप्त होने वाली स्थितियों को निर्धारित करने की मांग की जाती है, ये 5 स्थिर कारक हैं। पहला नैतिक कानून, दूसरा स्वर्ग, तीसरा पृथ्वी, चौथा सेनापति, पांचवा विधि और अनुशासन। पहला नैतिक कानून, ये कानून शासक तथा जनता के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। इसके चलते प्रजा निर्भय होकर राजा पर विश्वास करते हुए उसके आदेशों का पालन करती है। दूसरा स्वर्ग, यह रात दिन सर्दी गर्मी काल एवं ऋतुओं को दर्शाती है। तीसरा पृथ्वी, इसमें छोटी और बड़ी दूरियां, खतरे एवं सुरक्षा, खुले मैदान तथा संकरे रास्ते, जीवन एवं मृत्यु के अवसर शामिल हैं। चौथा सेनापति, एक अच्छे सेनापति में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता, ईमानदारी, करुणा एवं साहस जैसे गुणों के साथ साथ नियम एवं कानूनों की कठोरता से पालन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। पांचवा विधि और अनुशासन, विधि और अनुशासन का अर्थ है सेना को उचित टुकड़ियों में बांटकर संगठित करना, सक्षम अधिकारियों को उनकी योग्यता के आधार पर उचित पदों पर नियुक्त करना,
रास्तों को उत्तम अवस्था में बनाए रखना ताकि सेना के लिए जरूरी सामग्री आसानी से आ जा सके तथा सेना के खर्च पर नियंत्रण करना। इन पांचों प्रमुखों को हर जनरल से परिचित होना चाहिए। जो उन्हें जानता है वह विजयी होगा, जो उन्हें नहीं जानता वे असफल होगा। इसलिए अपने विचार विमर्श में जब सैन्य स्थितियों को निर्धारित करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें इस तरह से तुलना के आधार पर बनाया जाए। पहला, दोनों राष्ट्रों में से कौन सा राष्ट्र नैतिक नियमों से प्रेरित है। दूसरा, दोनों राष्ट्रों में से कौन से राष्ट्र का सेना अध्यक्ष अधिक योग्य है। तीसरा, कौन से राष्ट्र को स्वर्ग एवं पृथ्वी के लाभ अधिक प्राप्त हैं। चौथा, किस राष्ट्र की सेना में अनुशासन को कठोरता पूर्वक पालन किया जाता है। पांचवा, दोनों देशों में से किसकी सेना अधिक शक्तिशाली है। छठा, कौन सी सेना के अधिकारी एवं सैनिक अधिक प्रशिक्षित हैं। इनाम और सजा दोनों में से किन सेना में अधिक निरंतरता है। इन सात बातों के माध्यम से मैं जीत या हार की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। जो सेना अध्यक्ष मेरे द्वारा बताए गए तरीकों पर अमल करेगा वह विजयी होगा। ऐसे अधिकारी के हाथों में सेना का नियंत्रण दिया जाए और जो ऐसा नहीं करेगा उसे पराजय का सामना करना पड़ेगा एवं उसे अकिलंब निष्कासित किया जाए। मेरे वकील के लाभ का नेतृत्व करते हुए सामान्य नियमों के अलावा किसी भी सहायक परिस्थितियों का भी लाभ उठाएं। परिस्थितियों के अनुकूल होने पर व्यक्ति को अपनी योजनाओं को संशोधित करना चाहिए। सभी युद्ध छल पर आधारित हैं, इसलिए जब हमला करने में सक्षम होते हैं तो हमें असमर्थ दिखना चाहिए। अपने बलों का उपयोग करते समय हमें निष्क्रिय दिखना चाहिए। जब हम निकट हों तो हमें शत्रु को विश्वास दिलाना चाहिए कि हम बहुत दूर हैं। दूर होने पर हमें उसे विश्वास दिलाना चाहिए कि हम निकट हैं। दुश्मन को लुभाने के लिए उसे चारा पकड़ाएं, विकार का बहाना करें और उसे कुचल दें। यदि वह सब बातों में सुरक्षित है तो उसके लिए तैयार रहें। यदि वह श्रेष्ठ शक्ति में है तो उससे बचें। यदि आपका विरोधी क्रोधी स्वभाव का है तो उसे चिढ़ाने का प्रयास करें। दुर्बल होने का नाटक करो ताकि वह अभिमानी हो जाए। यदि वह आराम कर रहा है तो उसे आराम ना दें। यदि उसकी सेनाएं एकजुट हैं तो उन्हें अलग कर दें। उस पर हमला करें जहां वह तैयार नहीं है। वहां प्रकट हों जहां आपके होने की कोई अपेक्षा ना हो। विजय की ओर ले जाने वाले इन सैन्य उपकरणों का पहले से खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। जीतने वाला सेनापति युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व अनेक प्रकार की गणना करता है।
हारने वाला सेना अध्यक्ष भी अनुमान लगाता है, परंतु जीतने वाले की तुलना में कम। युद्ध जीतने के लिए विजय एवं पराजय दोनों विषयों पर अवलोकन करना जरूरी होता है, तथा इसी आधार पर मैं यह भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि कौन जीतेगा और कौन नहीं। चैप्टर 2, युद्ध की तैयारी। सुन ज़ू के अनुसार युद्ध के संचालन में जहाँ 1,000 तेज रथ, कई भारी रथ और 1,00,000 डाक पहने सैनिक हैं, जिनके पास 1,000 कोस चलने तक का रसद है और मोर्चे पर खर्च, मेहमानों के मनोरंजन सहित गोंद और पैंट जैसी छोटी चीज़ें और रथों और कवच पर खर्च की गई रकम, प्रतिदिन कुल 1,000 चांदी के सिक्कों के बराबर आएगा। यह 1,00,000 आदमियों की सेना खड़ी करने की इतनी कीमत है। जब आप वास्तविक लड़ाई में शामिल होते हैं, यदि जीत आने में लंबी है, तो हथियार अपनी धार खो बैठते हैं और सैनिकों का जोश ठंडा पड़ जाता है। यह किसी किले को घेर कर अपनी ताकत नष्ट करने के समान है। फिर यदि अभियान लंबा चला, तो युद्ध में राज्य के सभी संसाधन उस युद्ध का बोझ उठाने को क्षमता खो देते हैं। अब जब आपके हथियार सुस्त हो गए हैं, आपका उत्साह कम हो जाएगा, आपकी ताकत समाप्त हो गई है और आपका खजाना खर्च हो गया है। अन्य सरदार आपके चरम का लाभ उठाने के लिए उभरेंगे। तब कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, उन परिणामों को टालने में सक्षम नहीं होगा जो आने वाले हैं। इस प्रकार, यद्यपि हमने युद्ध में मूर्खतापूर्ण जल्दबाजी के बारे में सुना है, चतुराई को कभी भी लंबी देरी से जुड़ा नहीं देखा गया है। लंबे समय तक युद्ध से किसी देश को लाभ होने का कोई उदाहरण नहीं है। युद्ध में गति के महत्व को वही समझ सकता है जो लंबी लड़ाई के दुष्परिणामों से परिचित हो, अर्थात युद्ध को शीघ्रता से समाप्त करके तुरंत लाभ प्राप्त करें। जो लंबे अंतराल वाले युद्ध के गलत परिणामों को जानता है, वही युद्ध को लाभदायक तरीके से लड़ना भी जानेगा। कुशल सैनिक दूसरी लेवी नहीं उठाता, ना ही उसकी आपूर्ति वाहन को 2 से अधिक बार भरा जाता है। घर से युद्ध सामग्री आपके हाथ ले आना, परंतु शत्रु को चारा देना। इस प्रकार सेना के पास अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त भोजन होगा। काफी दूर तक सेना का भरण पोषण करने से राज्य की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है, तथा इसकी वसूली जनता से करने पर लोगों में दरिद्रता आ जाती है, अर्थात सेना का खर्च राज्य में महंगाई बढ़ाने का कारण बनता है, तथा बढ़ी हुई कीमतों के कारण लोगों की जमा पूंजी बर्बाद होती है।
और साथ ही उन्हें भारी भरकम कर यानी टैक्स भी चुकाना पड़ता है। दूसरी ओर सेना की निकटता के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं और ऊंची कीमतों के कारण लोगों का सामान खत्म हो जाता है। जब उनका सार समाप्त हो जाएगा तो किसान भारी वसूली से पीड़ित होंगे। इस पदार्थ के नुकसान और ताकत की थकावट के साथ लोगों के घर नंगे हो जाएंगे और उनकी आय का तीसरा दसवां हिस्सा समाप्त हो जाएगा। जबकि टूटे हुए रथों, घिसे पिटे घोड़ों, ब्रेस्ट प्लेट और हेलमेट, धनुष और तीर, भाले और ढाल, सुरक्षा कवच, ड्राफ्ट बेल और भारी आपूर्ति वाहन के लिए सरकारी खर्च इसके कुल राजस्व का चौथा दसवां हिस्सा होगा। इसलिए एक बुद्धिमान सेनापति शत्रु पर आक्रमण करने की बात करता है, इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि मौका मिलते ही दुश्मन के साधनों का उपयोग में लाया जाए, क्योंकि खाद्य सामग्री से भरी दुश्मन की एक गाड़ी अपनी 20 गाड़ियों के बराबर होती है। यही नियम दुश्मन की अन्य चीजों पर समान रूप से लागू होता है। दुश्मन को मारने के लिए हमें हमारे सैनिकों में आक्रोश को जागृत करना चाहिए। दुश्मन की पराजय में उन्हें अपनी विजय नजर आनी चाहिए। उन्हें आवश्यक रूप से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इसलिए रथों की लड़ाई में जब 10 या अधिक रथ ले लिए जाते हैं तो उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए जिन्होंने उसे पहले लिया था। शत्रु के झंडों के स्थान पर हमारे अपने झंडे रखे जाने चाहिए और रथ हमारे साथ मिलकर प्रयोग किए जाने चाहिए। पकड़े गए सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उन्हें रखा जाना चाहिए। इसी को कहा जाता है विजय प्राप्त। दुश्मन का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करना। युद्ध में आपका मकसद विजय प्राप्त करना होना चाहिए, ना कि लंबी लड़ाई। इस प्रकार यह ज्ञात हो सकता है कि सेनाओं का नेता लोगों के भाग्य का मध्यस्थ है। वह व्यक्ति जिस पर यह निर्भर करता है कि राष्ट्र शांति में होगा या संकट में। Chapter 3 छल पूर्वक आक्रमण। सुन ज़ू के अनुसार युद्ध की व्यवहारिक कला में सबसे अच्छी बात यह है कि दुश्मन के देश को संपूर्ण और बिना हानि पहुंचाए रखा जाए। इसे तोड़ना और नष्ट करना इतना अच्छा नहीं है, इसलिए एक सेना को नष्ट करने की तुलना में पूरी सेना को वापस लेना बेहतर है। इसी क्रम में दुश्मन की पूरी सेना, पलटन, कंपनी या बटालियन आदि को बर्बाद किए बिना पकड़ना उसे नष्ट करने से अधिक बेहतर है। इसलिए अपनी सभी लड़ाइयों में लड़ना और जीतना सर्वोच्च उत्कृष्टता नहीं है। सर्वोच्च उत्कृष्टता में बिना लड़े दुश्मन के प्रतिरोध को तोड़ना शामिल है। इस प्रकार सेनापतित्व का उच्चतम रूप दुश्मन की योजनाओं को टालना है।
अगला सबसे अच्छा दुश्मन की सेना के जंक्शन को रोकने के लिए है। अगले क्रम में मैदान में दुश्मन की सेना पर हमला करना है। और सबसे खराब नीति दीवारों वाले शहरों को घेरने की है। किसी किले की घेराबंदी युद्ध में सबसे कठिन कार्य है। अतः नियम ये है कि जहाँ तक संभव हो किले को ना घेरा जाए। इस काम के लिए कारतूसों से बचाने वाले चोगे, गतिमान शरणास्थल और हथियार आदि जुटाने में 3 महीने लग जाएंगे तथा किले के बाहर मिट्टी और पत्थर जुटाकर टोले बनाने में 3 महीने और लग जाएंगे। इतनी लंबी अवधि के बाद युद्ध के लिए अधीर जनरल जब अपने सैनिकों को आक्रमण करने का आदेश देगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसके 1/3 सेना मारी जाएगी और किला फिर भी फतेह ना होगा। किले को घेराबंदी के इतने अधिक विनाशकारी परिणाम होते हैं, इसलिए कुशल सेना नायक बिना किसी लड़ाई के दुश्मन की सेना को वश में कर लेता है। वह उनके नगरों को बिना घेरे हुए अपने अधिकार में कर लेता है। वह क्षेत्र में लंबे संचालन के बिना उनके राज्य को उखाड़ फेंकता है और बिना लंबी लड़ाई के वह उन्हें धराशायी कर देता है। अपनी सेना के साथ वह साम्राज्य की महारत का विवाद करेगा और इस तरह एक आदमी को खोए बिना उसकी जीत पूरी हो जाएगी। यह छल से हमला करने का सही तरीका है। यदि हमारी सेना दुश्मन की सेना से 10 गुना ज़्यादा बड़ी है तो उसे घेरना, यदि 5 गुना बड़ी है तो उस पर हमला करना, यदि 100 गुना बड़ी है तो अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटना, एक क्षण दुश्मन पर सामने से तथा दूसरा पीछे से आक्रमण करेगा। यदि दुश्मन सामने का जवाब देता है तो उसे पीछे से रौंद डालें और यदि वह पीछे से किए गए हमले का जवाब देता है तो उसे सामने से नष्ट करें। कहने का अर्थ यह है कि सेना के एक हिस्से का नियमित रूप से प्रयोग करें तथा दूसरे हिस्से का आपात स्थिति में। यदि दोनों सेनाएं समान रूप से मेल खाती हैं तो धावा बोलना चाहिए। यदि वे संख्या में कम हैं तो हम उन्हें नज़रअंदाज कर सकते हैं, परंतु अगर शत्रु के मुकाबले अगर हमारी तादाद बहुत कम है और हर मोर्चे पर हम उनसे कमज़ोर हैं तो युद्ध भूमि छोड़ देना ही हमारे लिए सर्वोत्तम विकल्प होगा। इसलिए लड़ाई की शुरुआत छोटी टुकड़ी से की जा सकती है, अंत में इसे बड़ी ताकत द्वारा कब्जा कर लिया जाना चाहिए। सेनापति राष्ट्र को ढाल होता है, यदि ढाल मजबूत है तो राज्य और शासन व्यवस्था मजबूत होगी, परंतु यदि कमज़ोर है तो राज्य भी असुरक्षित एवं कमज़ोर होगा। शासक अथवा शासन व्यवस्था 3 तरीके से अपनी सेना पर दुर्भाग्य ला सकती है अथवा नष्ट कर सकती है। पहला तरीका, आँख मूंद कर सेना को आगे बढ़ने या पीछे हटने का आज्ञा देकर, इसे कहते हैं सेना को अपंग बना देना। किसी भी राज्य को बाहर से तथा सेना के अंदर से नियंत्रित जहां किया जाना चाहिए। जब सेना दुश्मन के
बहुत नजदीक हो तो सेनापति को सेना से थोड़ी दूरी पर होना चाहिए, ताकि स्थिति, परिस्थिति एवं अवस्थाओं का मूल्यांकन सही प्रकार से करके सेना को उचित निर्देश दिया जा सके। दूसरा तरीका, सेना को उसी तरह चलाना जिस तरह से प्रशासन को चलाया जाता है। यह अनुचित है क्योंकि प्रशासन एवं सेना दोनों के हालात एवं तौर तरीके अलग अलग होते हैं। इससे सेना के मन में बेचैनी पैदा हो जाएगी। तीसरा तरीका, शासक द्वार अपनी सेना पर दुर्भाग्य थोपने का तीसरा तरीका है। सेना में अधिकारियों की योग्यता को नज़रअंदाज करके गलत स्थानों पर उनकी नियुक्तियां करना, जिसके चलते उनकी योग्यता का इस्तेमाल सही जगह नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शासक सेना एवं परिस्थिति के अनुसार स्वयं को परिवर्तित कर लेने के सिद्धांत से परिचित नहीं होता। इससे जवानों का विश्वास तो दमकता ही है, साथ ही उनका हौसला भी कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जब सेना बेचैन हो और उसमें विश्वास की कमी हो, तो अन्य राजाओं को तरफ से मुसीबत का आना निश्चित है। इससे सेना में अराजकता फैलती है तथा विजयश्री आपके हाथों से फिसलकर दूर चली जाती है। अतः इस प्रकार जीत के लिए निम्न 5 बातों का पता होना हमारे लिए अति आवश्यक है। पहला, वह जीतेगा जो जानता है कि कब लड़ना है और कब नहीं। यदि वह युद्ध करने में सक्षम है, तो आगे बढ़कर वह आक्रमण करेगा। यदि नहीं, तो प्रतीक्षात्मक होकर पीछे हट जाएगा। जो यह जानता है, वह अवश्य ही विजय होगा। दूसरा, वह जीतेगा जो जानता है कि श्रेष्ठ और निम्न दोनों शक्तियों को कैसे संभालना है। तीसरा, वह जीतेगा जिसकी सेना एक ही लक्ष्य से प्रेरित है। चौथा, वह जीतेगा जो अपने आप को तैयार करता है और दुश्मन की सेना को प्रतीक्षा करता है। पांचवा, वह जीतेगा जिसके पास सैन्य क्षमता है और संप्रभु द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया है। बड़े बड़े आदेश देना सरकार का कार्य होता है, परंतु सेना के लिए निर्णय लेने का अधिकार सेनापति के कार्य क्षेत्र में आता है। सेना के कार्यों में अनावश्यक दखल अंदाजी से होने वाले दुष्परिणामों की व्याख्या करने को यहाँ आवश्यकता कहा है। परंतु सभी जानते हैं कि नेपोलियन को मिली असाधारण सफलता का श्रेय इस बात को जाता है कि उसकी फौज में किसी केंद्रीय सत्ता के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया था। इसलिए कहावत है, यदि आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को जानते हैं, तो आपको 100 लड़ाइयों के परिणाम से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद को जानते हैं लेकिन दुश्मन को नहीं, तो हर विजय के बाद आपको एक पराजय का सामना करना पड़ेगा। अगर आप ना तो दुश्मन को जानते हैं और ना ही स्वयं को, तो आप हर लड़ाई में आपकी पराजय
निश्चित है। चैप्टर 4 सुनियोजित व्यवस्थापन। सुन ज़ू के अनुसार पुराने अच्छे कुशल योद्धा सर्वप्रथम स्वयं को अपराजित बनाते हैं और फिर उस मौके का इंतजार करते हैं जब दुश्मन को पराजित किया जा सके। हार से खुद को बचाए रखना स्वयं हमारे हाथों में होता है, लेकिन शत्रु को पराजित करने का अवसर स्वयं शत्रु ही देता है। इस प्रकार अच्छा सेनानी हार के खिलाफ खुद को सुरक्षित करने में सक्षम है, परंतु फिर भी यह निश्चित नहीं होता कि वह शत्रु को पराजित कर ही देगा। इसलिए कहावत है, आपको यह पता होना चाहिए कि बिना युद्ध किए कैसे जीता जाए। पराजय से बचने के लिए रक्षात्मक दाव पेचों का इस्तेमाल किया जाता है तथा दुश्मन को हराने के लिए आक्रामक होना पड़ता है। रक्षात्मक होना दुर्बलता की निशानी नहीं है, जबकि आक्रामक होना हमारे शक्तिशाली होने का सूचक है। रक्षात्मक कौशल में कुशल सेना नायक अपनी सेना को गुप्त स्थान पर छिपा देता है, जबकि हमला करने में प्रवीण सेना नायक दुश्मन पर आकाश की ऊंचाई से प्रकाश की गति से टूट पड़ता है। इन तरीकों के इस्तेमाल के द्वारा एक ओर जहां हम स्वयं की रक्षा करते हैं, वहां दूसरी ओर जीत को हासिल कर लिया जाता है। शरद ऋतु में गिरे हुए पत्तों को बटोरने मात्र से आप बहादुर नहीं कहे जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा को देख पाना ही तेज दृष्टि का संकेत नहीं है, ना ही बादल की गड़गड़ाहट अथवा तूफान का शोर सुनना तेज कान का संकेत का परिचारक है, जिसे प्राचीन लोग एक चतुर सेनानी कहते थे। वह न केवल जीतता है, बल्कि वह जीत को आसान बनाने में भी प्रवीण होता है। इसलिए उसकी जीत में ना तो ज्ञान की प्रतिष्ठा होती है और ना ही साहस का श्रेय। वह बिना गलती के अपनी लड़ाइयाँ जीतता है। कोई गलती ना करना ही जीत की निश्चितता का स्थापित करता है। दूसरे शब्दों में, पहले ही से हारे हुए शत्रु पर विजय प्राप्त करना, इसी को कहा जाता है। वह स्वयं को ऐसी अवस्था में स्थापित कर लेता है जहां उसकी पराजय का प्रश्न हो नहीं उठता, तथा वह दुश्मन को परास्त करके कोई भी हाथ से जाने नहीं देता। इसलिए कुशल सेनानी खुद को ऐसी अवस्था में स्थापित कर लेता है जहां उसकी पराजय का प्रश्न ही नहीं उठता, तथा वह दुश्मन को परास्त करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। एक अच्छा योद्धा पहले जीत की योजना तैयार करता है तथा बाद में सुनिश्चित योजना अनुसार युद्ध करता है एवं उसे जीतता भी है। कहां दूसरी ओर हारने वाला योद्धा पहले युद्ध करता है तथा बाद में अपनी सफलता की संभावनाओं को तलाशता है। इस प्रकार एक अच्छा योद्धा पहले जीत की योजना तैयार करता है
तथा बाद में सुनिश्चित योजना अनुसार युद्ध करता है एवं उसे जीतता है। वहीं दूसरी ओर हारने वाला योद्धा पहले युद्ध करता है तथा बाद में अपनी सफलता की संभावनाओं को तलाशता है। अत्यधिक निपुण मार्गदर्शक या लीडर नैतिक नियमों को विकसित करता है तथा निरंतरता एवं दृढ़ता के साथ प्रणाली एवं अनुशासन का पालन करता है, इसलिए सफलता उसके कदम चूमती है। सैन्य पद्धति के संबंध में हमारे पास 5 विधियां होती हैं, जिसमें पहले मापन है, दूसरे मात्रा का अनुमान, तीसरा गणना, चौथा अवसरों का संतुलन, पांचवा विजय, जिसमें मापन का अस्तित्व पृथ्वी पर निर्धारित करता है। मापन के लिए मात्रा का अनुमान, मात्रा का माप कर गणना के मात्रा के अनुमान पर, अवसरों का संतुलन संतुलन गणनाओं पर। एक विजयी सेना और हारने वाली सेनाओं के बीच उतना ही फर्क होता है जितना तराजू पर रखे गए एक पलड़े में 1 किलो वजन रखा जाए तथा दूसरे पलड़े में अनाज का 1 दाना। एक विजयी सेना की रफ्तार 100 मील ऊंचाई से गिरने वाले झरने के पानी के बहाव के समान होती है। चैप्टर 5 ऊर्जा अथवा शक्ति। सुन ज़ू के अनुसार एक बड़ी सेना पर नियंत्रण करना तथा कुछ लोगों का नियंत्रण करने में थ्योरेटिकल रूप से समान है। अंतर केवल व्यक्तियों की संख्या का है। अपने नेतृत्व में एक बड़ी सेना को लेकर युद्ध करना तथा कम सेना के साथ युद्ध करने में कोई भी अंतर नहीं है। यह चिन्हों तथा संकेतों को स्थापित करने की विधि मात्र है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी सेना दुश्मन के आक्रमण को बर्दाश्त कर सके और उसका आत्मविश्वास बना रहे, आपको सीधी सरल तथा टेढ़ी और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की चालें चलनी होंगी। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि दुश्मन हमारे सीधे साधे हमले को गुप्त तथा योजनाबद्ध तरीके से नियोजित करने का आक्रमण समझे एवं ठीक इसके विपरीत हमारे योजनाबद्ध तरीके से किए गए आक्रमण को वह सीधे साधे तरीके से किया हुआ हमला समझे। शत्रु की सेना पर आपकी सेना का ऐसा असर होना चाहिए जैसे अंडे की चक्की के 2 पत्थर के बीच में डालकर कुचलने पर होता है, परंतु इस तरह के परिणाम प्राप्त करने के लिए दुश्मन के गुण एवं अवगुण दोनों की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। हर प्रकार के युद्ध में सीधे तथा सरल प्रत्यक्ष तरीके अपनाए जा सकते हैं, परंतु जीत हासिल करने के लिए टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार अप्रत्यक्ष चालों का इस्तेमाल किया जाना जरूरी होता है। अप्रत्यक्ष व्यक्तियों को अगर दृढ़ता पूर्वक विकसित किया जाए तो इनके इस्तेमाल से सेना पर आगे या पीछे कहीं से भी
थाक बोला जा सकता है। इंद्रधनुष में 5 से अधिक प्राथमिक रंग नीला, पीला, लाल, सफेद और काला नहीं है, फिर भी संयोजन में वह पहले से कहीं अधिक रंग उत्पन्न करते हैं। पूरी दुनिया में केवल 5 स्वाद हैं, खट्टा, तीखा, नमकीना, मीठा, कड़वा। इसी प्रकार से आक्रमण के केवल 2 ही तरीके हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। फिर भी इन दोनों के संयोजन युद्ध अभ्यास की एक अंतहीन श्रृंखला को जन्म देते हैं। प्रत्यक्ष विधियां बारी बारी से एक दूसरे के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। यह इसी प्रकार से है जैसे कि आप एक अंतहीन वृत्त गोलाकार में घूम रहे हों। इतने बड़े और अधिक मिश्रणों की संभावनाओं को कौन समाज कर सकता है? उत्तेजित सैनिकों को आगे बढ़ना तूफान के उस प्रवाह के समान होता है जो अपने मार्ग में आने वाली बड़ी से बड़ी चट्टान तक को उखाड़ देता है। आपका निर्णय इतने ऊंचे स्तर का होना चाहिए कि शत्रु पर आक्रमण करके उसे संपूर्ण तरीके से नष्ट किया जा सके, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बाज सही समय पर झपट्टा मार के अपने शिकार को मारने और नष्ट करने में सक्षम होता है। यदि आए शत्रु को गुमराह करने के लिए घबराहट अथवा उलझन का अभिनय करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपनी सेना के भीतर आदर्श एवं पूर्ण अनुशासन को विकास करें। यदि आप शत्रु को फंसाने के लिए कायरता का नाटक करना चाहते हैं तो अपनी सेना में अभूतपूर्व साहस का निर्माण करें, तथा यदि आप अपने शत्रु को घमंडी बनाकर मात देने के लिए स्वयं का बल दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी सेना में गजब की ताकत होनी चाहिए। नियंत्रण को अनियंत्रण के चोगे में छिपाने का आसान तरीका यह है, सेना को टुकड़ियों में बांट देना। साहस को कायरता के भीतर छिपाने के लिए आपके पास गुप्त ऊर्जा का होना अति आवश्यक है। स्वयं को दुर्बल दर्शा कर आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करना आपकी कौशलपूर्ण व्यवस्थाओं के प्रयोग की योग्यता पर निर्भर करता है। सम्राट विक्रम को बर्बाद करने के इरादे से हाने के पहले सुल्तान काओ सु ने व्यवस्थाओं का पूर्व अनुमान लगाने के लिए गुप्तचर भेजे। सम्राट विक्रम को यह बात पहले ही पता चल चुकी थी, अतः उसने बड़ी ही होशियारी से अपने सभी अच्छे सैनिक और ताकतवर घोड़ों को छिपा दिया, जिसके चलते गुप्तचर मात्र कमजोर सैनिक तथा मार्यद मवेशियों को ही देख पाए। परिणाम स्वरूप सभी गुप्तचरों के राजा को आक्रमण करने की सलाह दी, किंतु लाओ चिंग एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने इस फैसले का विरोध किया। उसने कहा, जब 2 देश युद्ध करने वाले हों तो उनके द्वारा अपनी शक्ति का
मन मुताबिक प्रदर्शन करना स्वाभाविक है। अतः इस सूचना के आधार पर शत्रु पर धावा बोलने बुद्ध पूर्णिमा नहीं होगी, किंतु बादशाह ने उसके सुझाव को नज़रअंदाज करते हुए आक्रमण कर दिया और पोटैंग में स्वयं को शत्रु से घिरा हुआ पाया। वह सेना जो दुश्मन को नाकों तले चने चबा दे, दुश्मन को अपनी ताकत का अंदाजा ना लगने दे, चारा डालकर शत्रु को अपने जाल में फंसाकर गलत कदम उठाने पर मजबूत कर देती है। एक चतुर नायक सेना को संयुक्त शक्ति का उपयोग भली भांति करना जानता है। वह एक अकेले सैनिक से अधिक की अपेक्षा नहीं करता। वह प्रत्येक सैनिक की प्रतिभा प्रवीणता के अनुसार उनसे काम लेता है तथा जिनमें गुण ना हो उनसे गुणों की अपेक्षा नहीं करता। सक्राधम वह देखता है कि उसकी सेना में कितनी क्षमता है, उसके बाद यह व्यक्ति निपुणता एवं योग्यता पर ध्यान देता है तथा एक प्रत्येक व्यक्ति से उसकी योग्यता के अनुसार काम लेता है। वह उन व्यक्तियों से उत्तम तथा कम परिणामों की अपेक्षा करता है जिनमें कुशलता की कमी होती है। सही व्यक्ति का चुनाव तथा संग्रहित ताकतों का उपयोग करना ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता होती है। जब वह संयुक्त ऊर्जा शक्ति का प्रयोग करता है तो उसके योद्धाओं का बल ढलान से फिसलते हुए लट्ठों या पत्थरों के समान होता है, क्योंकि पत्थर अथवा लकड़ी के लट्ठे का यह प्राकृतिक स्वभाव होता है कि वह समतल मैदान धरातल पर स्थिर बने रहते हैं, परंतु जैसे ही उसे ढलान से नीचे छोड़ा जाता है तो वह असाधारण गति पकड़ लेते हैं। ठीक इसके विपरीत चौकोर आकार वाली चीज़ें इस काम के लिए उपयोगी साबित नहीं होती हैं। अतः अच्छे योद्धाओं द्वारा जिस ऊर्जा का निर्माण किया जाता है उसकी तुलना हजारों फुट ऊंचे पर्वत से नीचे गिरते गोल पत्थर से की जा सकती है। ऊर्जा के विषय में इतना कहना ही पर्याप्त होगा। युद्ध के मैदान में तेजी के साथ बदलाव और उन्नति अचानक आक्रमण करके छोटी सेना के द्वारा भी जीत हासिल की जा सकती है। चैप्टर 6 कमजोर एवं मजबूत अवसर। सुन ज़ू के अनुसार जो रणभूमि में पहले पहुंचता है उसमें युद्ध के लिए भरपूर उत्साह कूट कूट कर भरा होता है, और जो देर से आता है वह जल्दबाजी एवं भाग दौड़ी में ही थक जाता है। इसलिए एक चालाक योद्धा वह होता है जो दुश्मन पर अपने फैसले थोपता है तथा स्वयं के साथ शत्रु को ऐसा करने का कभी मौका नहीं देता। वह दुश्मन को प्रलोभन देकर उसे खुद के नज़दीक आने के लिए मजबूर कर देता है तथा नज़दीक आने पर हमला करके उसे अपने निकट आने से रोक देता है। पहले
जाल बिछाकर वह दुश्मन को लुभाएगा तथा दुश्मन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करेगा जिसे बचाना दुश्मन की प्राथमिकता होगी। यदि दुश्मन सुविधाजनक स्थिति में है तो वह उसके लिए असुविधा उत्पन्न करेगा। यदि दुश्मन के पास पर्याप्त रसद यानी खाद्य सामग्री है तो वह शत्रु के लिए भुखमरी के हालात पैदा कर देगा। यदि दुश्मन अपने कैंप में है तो एक चतुर योद्धा उसे बाहर निकलने पर मजबूर कर देगा। ऐसी जगहों पर पहुँचे जहाँ से खुद को बचाने के लिए दुश्मन को भागना पड़े। अचानक वहाँ जा पहुँचे जहाँ आपके होने की उम्मीद तक ना हो। उन बिंदुओं पर प्रकट हों जिनकी रक्षा के लिए दुश्मन को जल्दबाजी करनी चाहिए। कमजोर ठिकानों को नष्ट कर दें। आक्रमण करने में निपुण योद्धा आकाश की ऊंचाई की तरह प्रकट होता है। वह शत्रु को स्वयं की रक्षा करने का अवसर नहीं देता। वह शत्रु के असुरक्षित ठिकानों पर वार कराता है। वह स्वयं को पाताल की गहराई में छिपाकर रखता है। उसे ढूंढ निकालना शत्रु के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि युद्ध कल में वह निपुण होता है। आक्रमण की कला में वह सेना नायक निपुण होता है जिसका शत्रु यह नहीं जानता कि किस जगह का बचाव करना है तथा प्रतिशलक कला में वह सेना नायक निपुण होता है जिसका विरोधी यह नहीं जानता कि आक्रमण कहाँ करना है। गुणता एवं गोपनीयता की दिव्य कला आपके माध्यम से होकर गुजरती है। यदि आप शत्रु की कमजोरियों के बारे में जानते हैं तो आप निसंकोच एवं अप्रतिरोध आगे बढ़ सकते हैं। आप रुक रुक कर आगे बढ़ते हुए भी सुरक्षित रह सकते हैं, परंतु इसके लिए आपका रास्ता शत्रु की रफ्तार से काफ़ी अधिक होना चाहिए। आप यदि युद्ध करना चाहते हैं तो दुश्मन को युद्ध के लिए बाध्य करें। इसके लिए ऐसे जगह पर धावा बोल दें जिसे बचाना शत्रु की प्राथमिकता हो। वह चाहे किले के अंदर छिपा हो या खाई पार किसी सुरक्षित स्थान पर। ऐसा करने से दुश्मन बाहर आने पर मजबूर हो जाएगा। हम यदि युद्ध से बचना चाहते हैं तो शत्रु को हमारे ठिकाने की जानकारी होने पर भी युद्ध को रोका जा सकता है। सिर्फ हमें शत्रु के रास्ते में ऐसी अस्पष्ट अथवा अनपेक्षित चीज़ें डालनी होंगी जिससे वे दुविधा की स्थिति में आ जाए। कॉफिंग शहर, जिस पर उस वक्त चूंको लियोंग का कब्जा था, पर जब सुमा आक्रमण करने वाला था तो चूंको ने एकाएक अपने रंग ढंग बदल डाले। युद्ध के लिए बजने वाले ढोल नगाड़े अचानक से बंद कर दिए गए। शहर का मुख्य द्वार खोल दिया गया। बाहर से देखने पर
देर कुछ लोग झाड़ू लगाते हुए और पानी छिड़कते हुए नजर आए। इस अनपेक्षित परिवर्तन का सुमा पर वही असर हुआ जो चूंको चाहता था, क्योंकि सोमो को यह खबर मिली थी कि चूंको उस पर घात लगाकर हमला करने वाला है। पर चूंको की चाल के चलते जब उसे ऐसा नजर नहीं आया तो उसने अपनी सेना को वापस बुला लिया और बिना युद्ध किए ही वापस लौट गया। दुश्मन की तैयारी तरकीब की जानकारी हासिल करके और स्वयं की गोपनीयता बनाए रखकर अपनी सैन्य शक्तियों को संगठित रखें, जबकि हुस्न को उसकी सेना के विभाजन के लिए बाध्य करें। वह दुश्मन को कार प्रणाली स्पष्ट रूप से तर आती है। हम एक संयुक्त इकाई के रूप में कार्य कर सकते हैं जिसके विरोध में दुश्मन को टुकड़ियों में बंटना पड़ेगा। ऐसे में उनकी विभाजित हुई टुकड़ियों पर टूटने के लिए हमारी एकजुट सेना ही पर्याप्त होगी तथा बड़े दल के साथ मुठभेड़ की आवश्यकता में शत्रु पर दबाव की स्थिति में होगा। शत्रु के किस ठिकाने पर हम हमला करने वाले हैं इस बात की जानकारी उसे नहीं होनी चाहिए। इसका लाभ यह होगा कि बचाव के लिए दुश्मन को अनेक ठिकानों पर स्वयं को मजबूत बनाना होगा, जिसके चलते उसकी सेना अनेक दिशाओं में बटी हुई होगी। परिणाम स्वरूप हमें भी दुश्मन का मुकाबला करने में कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि उनकी संख्या हमसे बहुत ही कम होगी। सेनापति ग्रांट हर बार क्यों जीतता है इस बारे में लाओ ने बताया। उसके शत्रु को हमेशा इस बात का भय सताता रहता था कि ग्रांट इस बार ना जाने कौन सा कदम उठाने जा रहा है। पर ग्रांट अधिकतर अपनी योजनाओं के विषय में ही सोचा करता था। शत्रु यदि अपनी सेना के अग्रभाग को मजबूत करने का प्रयास करेगा तो उसका पिछला हिस्सा कमजोर हो जाएगा। यदि वह पिछले हिस्से को मजबूत बनाने का प्रयास करेगा तो उसका अगला हिस्सा कमजोर रह जाएगा। दाहिने भाग को मजबूत करने पर बावां एवं बाहिने भाग का मजबूत करने पर दायां भाग कमजोर रह जाएगा, तथा यदि वह सभी जगह स्वयं को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सेना भेजेगा तो वह सभी जगह कमजोर हो जाएगा। युद्ध का समय एवं स्थान पहले ही से पता होने पर सेना के प्रयासों को दूर से ही नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु युद्ध के समय एवं स्थान की जानकारी ना होने की अवस्था में सेना को बावी टुकड़ी दाई की ओर, दाई टुकड़ी बाई की मदद करने में असमर्थ होगी। इसी प्रकार आगे की टुकड़ी पीछे को और पीछे की टुकड़ी आगे को टुकड़ी की राहत पहुंचाने में सामर्थ नहीं होगी। ऐसा कर पाना
और भी अधिक कठिन होगा यदि सेना को दूरस्थ टुकड़ियों के बीच कई सौ मील तथा निकटवर्ती टुकड़ियों के बीच मीलों का फासला हो। मुकाबला दुश्मन से कब और कहाँ होने वाला है, वह पता ना होने की अवस्था में हमारी पूर्व तैयारियां धरी की धरी रह सकती हैं, क्योंकि ऐसे में हम असुरक्षित हो जाएंगे तथा जब हमारा सामना अचानक से दुश्मन की सेना से होगा तो हमारी कोई भी टुकड़ी अगली पिछली दाई या बाई एक दूसरे को किसी भी प्रकार का समर्थन अथवा सहयोग देने की अवस्था में नहीं होगी, क्योंकि उसके बीच कई कोस का फासला होगा। दुश्मन की सेना में अधिक संख्या में सैनिक होने के बावजूद हम उसे युद्ध करने से रोक सकते हैं। दुश्मन की योजनाओं की संभावनाओं का पता लगाएं, उत्तेजित करके पता लगाने का प्रयास करें कि वह कितना सक्रिय है। उसे अपने रहस्य प्रकट करके मजबूर करें ताकि उसकी कमजोरियों का पता लगाया जा सके। शेंग यू के अनुसार जब दुश्मन को इस तरह परेशान किया जाता है तो उसके हाव-भाव से पता लगाया जा सकता है कि उसकी प्रकृति उग्र है अथवा शांत। वह चूको लियोंग का उदाहरण देकर बताता है कि उसने सोमो के तोहफे में महिलाओं के कपड़े भेजकर तिरस्कार के द्वारा उत्तेजित करने का प्रयास किया था। ध्यानपूर्वक अपनी और दुश्मन की सेना का तुलनात्मक अध्ययन करें तथा पता लगाने का प्रयास करें कि शक्ति का भार किस तरह कम अथवा ज़्यादा है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखना सुनियोजित प्रबंधन की कुंजी है। इसके द्वारा आप ना सिर्फ चतुर से चतुर गुप्तरों से बच पाएंगे बल्कि कपटी लोगों के षड्यंत्र से भी दूर रहेंगे। युद्ध में शत्रु की दाव पेंचों को भेदकर विजय प्राप्त करने की विधि से अधिकतर लोग अनजान होते हैं, क्योंकि जीत के लिए आवश्यक दाव पेंचों के बारे में प्राय सभी लोग जानते हैं, परंतु जटिल रणनीतियों, व्यूह रचना आदि, जिन्हें विकसित करके युद्ध में विजय प्राप्त की जाती है, को बुद्धिमान ही जान और समझ पाते हैं। जिस प्रकार पानी की कोई निश्चित आकार नहीं होता है, उसी प्रकार युद्ध के नियम कानून भी सुनिश्चित नहीं होते हैं। सभी पांच तत्व कभी भी समान रूप से प्रबल नहीं होते। चारों ऋतुएं एक दूसरे के बाद आती हैं और चली जाती हैं। दिनों के अनुसार चंद्रमा का भी आकार घटता शव बढ़ता रहता है। उसी प्रकार जो अपने दाव पेंचों को विरोधी की चाल के अनुसार बदलकर विजय प्राप्त करना जानता है, उसी को सच्चा योद्धा कहा जा सकता है। धन्यवाद।